अगली बड़ी खबर आ रही है हमारे पास भरतपुर से। हम आपको बता दें, भरतपुर से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गौवंश से भरा एक ट्रक पलटा। सूचना मिलने पर ग्रामीण जन पहुंचे मौके पर। ट्रक में भरे थे करीब 16 गौवंश। करीब दर्जन भर गौवंशों की हुई इस दुर्घटना से मौत। जिंदा घायल गौवंशों का कराया जा रहा है इलाज। हम आपको बता दें कि पुलिस गौ तस्करों की तलाश में जुटी। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के सीकरी रोड की यह घटना। भरतपुर से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां गौवंश से भरा एक ट्रक पलट चुका है और सूचना मिलने पर ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे। ट्रक में करीब 16 गौवंश भरे हुए थे, जिसमें से करीब दर्जन भर गौवंशों की मौत हो चुकी है। जिंदा घायल गौवंशों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस गौ तस्करों की तलाश में जुटी। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के सीकरी रोड की यह घटना है। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से गौवंश की अवैध तस्करी लगातार जिले में हो रही है, उसको देखते हुए पुलिस भी काफी सतर्क है और ग्रामीण जो है वहां पे स्थानीय जो लोग हैं वो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। इस चीज की पूरी खबर वो रखते हैं, मगर उसके बाद भी गौ तस्करी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। पुलिस गौ तस्करों की तलाश में भी जुट चुकी है। आपको बता दें, गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के सीकरी रोड की यह घटना है। भरतपुर से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जब गौवंश से भरा एक ट्रक पलटा। सूचना मिलने पर ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे। ट्रक में करीब 16 गौवंश भरे थे, जिनमें से 12 गौवंशों की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। घायल गौवंश जो जिंदा घायल गौवंश है उनका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस गौ तस्करों की तलाश में जुटी। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के सीकरी रोड की घटना। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जब गौवंश से भरा एक ट्रक पलटा। सूचना मिलने पर ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे। ट्रक में भरे थे 16 गौवंश। करीब दर्जन भर गौवंशों की हुई मौके पर मौत। जिंदा और घायल जो गौवंश वहां पे बचे हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस गौ तस्करों की तलाश में जुटी। यह घटना है गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के सीकरी रोड की। आपको बता दें कि इस समय भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है,